हाय गाइस, आज संडे और संडे का सुबह का मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है। अब मैं दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी नाश्ता भी साथ साथ बनाऊंगी और दिन का खाना भी साथ साथ बनाऊंगी। तो आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल। तो आपको मैं दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं राजमा। तो आप चलें राजमा बनाएं। क्या बना रही बेटा? कॉफ़ी। नहा लिया आपने? हाँ। किसके लिए बना रहे कॉफ़ी? कौन सी कॉफ़ी बना रही है? ब्लैक कॉफ़ी या नॉर्मल कॉफ़ी जो होती है? ब्लैक। अच्छा, चाचू ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं? हाँ। मेरी चेरी। चलो सेकंड, चलो हाई फाइव। अब देखेंगे दोनों में से। वेरी गुड। अब देखेंगे दोनों में से किसको करेगी मम्मी। चलो सेकंड, चलो सेकंड, सेकंड। खा लिया आपने? आप क्या कर रहे हो? पूजा कर रही हूँ, रामायण पढ़ूंगी। रामायण भी पढ़ोगे? हाँ। अच्छा, लक्ष्मी दुर्गा पाठ पढ़ रहे हो आप? हाँ, दुर्गा पाठ पढ़ रही हूँ। अच्छा, दुर्गा पाठ पढ़ रही हूँ। तो काली काल के पंजे से जो अब अच्छे से भूल गए, अब इन्हें बनाऊंगी मैं। ऊपर मैंने चढ़ा दिया। गर्म हो गया है, अब मैं जीरा डाल रही हूँ। अब लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज ब्राउन होता है, भूनता है, गोल्डन ब्राउन, तब तक मैं टमाटर काटूंगी। टमाटर ये टमाटर डालने से बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैंने चॉप कर लिया टमाटर, हरी मिर्ची। अब मैं इनको डाल दूँगी। प्याज मेरा हो गया भून गया है, तो मैं यहाँ मेरा मसाला भून गया है, तो अब इसमें मैं राजमा और आलू डाल दूँगी। इससे आलू से ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है और टेस्ट बढ़ता है। भूनूंगी ताकि मसाले अच्छे से भून जाए। अब मैं मसाले डालूँगी, मैं फिर आपको दिखाऊँगी बाद में। अब मैं इनमें मसाले डालूँगी और अच्छे से भूनूँगी इनको, ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाए, और फिर मैं इसमें पानी डाल के। कोई हरी मसाले नहीं डालती, गरम मसाला नहीं डालती हूँ, क्योंकि गरम मसाला हम लोग खाते नहीं। तो इन्हें धोकर अच्छे से दो तीन बार वॉश करा, फिर इन्हें मैंने भिगो दिया, थोड़ा सा बॉईल करा था मैंने, और भिगोने रख दिया। पूरी रात ही भिग गए, और जो इनका पानी है वो मैंने ये रखा है। अब इसको इसमें डाल दूँगी और इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। थोड़ा सा पानी और डालूंगी, क्योंकि सीटें लगती है तो थोड़ा पानी डालना पड़ता है। सीटें से पानी कम हो जाता है, तो अब इसमें थोड़ा पानी और डाल। गाइस, आज मुझे नाश्ता नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि मैं अपने सर जी से क्या लेकर आई हूँ, बर्गर। ये रे, अभी बना के दिए उन्होंने, आराम से खाएंगे। मैंने अब राजमा पलट दिए, अब मैं चावल बना रही हूँ। तो मैं आपको अपने राजमा दिखाती हूँ कैसे बने हैं मेरे राजमा। ये राजमा बनाएगा इसमें, जल्दी जल्दी चावल बनाऊंगी तो कि दिन का खाना बन जाएगा। फिर दिन का खाना मैंने इसमें, आज मैं छोटे वाले चावल बना रही हूँ, उसमें एक तेल गर्म करने रखी है। छोटे वाले चावल बनाऊंगी जिसमें मज़ा आ जाएगा आज। बच्चों की डिमांड थी आज तड़के वाले चावल खाने की, तो मैंने ऑयल गर्म कर दिया और उसमें जीरा डाल दिया है। अब चावल वॉश करके मैंने डाल दिया, अच्छे से इनको मिक्स करके और इनमें पानी डालकर और इन्हें चढ़ा दूँगी। अब मैं चावल रेडी, तो अब रसोई क्लीन कर रही हूँ। थोड़े बर्तन आए हैं उन्हें मांज देती हूँ, फिर लंच तैयार होगा, फिर उसके बर्तन मांजेंगे और खाना खाएंगे। तो अभी अब किचन क्लीन कर रही हूँ। खाना मेरा चढ़ गया है, बन गया है, तो मैं किचन क्लीन करूँगी, फिर हम खाना खाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे। जी, दिन का खाना कैसा लगा?
खाना खा लिया, बढ़िया था राजमा चावल। हाँ बहुत बढ़िया। अब बज गए शाम के 5:30, तो मेरे सर जी चाय लाए हैं मेरे लिए। चाय लाए हो? हाँ। अच्छा और क्या लाए हो मेरे लिए? अभी तो चाय है। तो गाइस शाम के 5 बज चुके हैं, तो मेरे सर जी मेरे लिए चाय लाए हैं, क्योंकि मैं अकेली चाय पीने वाली, और कोई पिएगा नहीं, मम्मी गई है सुदर्शन सुनने और मेरे लिए लाए। गिन्नी मेरी टीवी देख रही थी पहले से ही, और आधी सोकर उठकर आया और सीधा टीवी के आगे बैठ गया। यहाँ चेरी भी चुपचाप बैठी है आराम से। आदि का भी मेरा कोई काम नहीं है, बस कागज़ फाड़ना, बस कागज़ों के टुकड़े टुकड़े कर देना, और दीदी के सामान को छेड़ना। उस बेचारी ने अपना सामान सारा इकट्ठा करके रखा था ताकि वो खेले, और ये सारा कबाड़ कर दिया इसने। अब कह रहा है मैं इस सामान का कबाड़ कर दूँगा, कबाड़ बाहर ले गया और बस कागज़ों को लगा हुआ कुचुड़ कुचुड़। आदि क्या कर रहे बेटा? पन्नी डाल के रखी आपने? अच्छा गीतिका बिस्ट, क्या कर रहे हो आप? कौन सा? साइंस का। स्कूल का होमवर्क अब कर रहे हो आप? अच्छा आपकी अम्मा कहाँ गई हैं? अब बच्चों का पढ़ाई का समय है तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आज हमने खाना तो बनाना नहीं है, आज कॉलोनी में किसी का सिवार्चन है तो मम्मी उधर ही गई हैं, आज खाना वहीं है हम सबका, तो आज खाने की तो टेंशन नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाया जाए ज़रा। आदि भी स्टाफ क्यों रो रहे हो? आप तो गंदे हो रहे हो बहुत ज़्यादा, बैड मैनर्स। आपकी मम्मी यही सिखाती है आपको हैं? भिंडी के बालों में तेल लगा दिया, तो अब मैंने चुटिया भी बना रही हूँ ताकि सुबह दिक्कत ना हो। मांग निकालने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं अभी से ही मांग निकाल दूँगी, इसकी चुटिया बना दूँगी, तो सुबह ईजिली इसकी चुटिया बन जाएगी। अब मैं बच्चों की ड्रेस प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि सुबह इन्होंने स्कूल जाना है, तो मैंने रात को ड्रेस प्रेस कर देती हूँ ताकि बच्चे फटाफट उसके तैयार हो जाए। गिन्नी और आदि की ड्रेस प्रेस कर देती हूँ। तो गाइस यही करते हैं ब्लॉग का एंड, क्योंकि अभी मम्मी आएंगे और फिर हम खाना खाने जाएंगे, और आज खाना बनाने की दिक्कत नहीं है, तो ब्लॉग का यहीं करते हैं एंड। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अगर आपको हमारा नेक्स्ट ब्लॉग देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए। ओके बाय बाय। Good night, take care, sweet dreams, bye. Good night, take care, sweet dream, bye bye.